हेलो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक ये प्लेलिस्ट चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितना आया नया आया चेक करने की मौका मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे करते हैं। ठीक है, आज 5th जून 2018 है, दो दिन पहले सिविल्स का प्रीलिम्स हुआ 3rd जून 2018 को, उसमें पॉलिटी रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए देखते हैं, उसको हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपको इसका नोट्स मिलेगा FB पेज FB.me/पद्मिनी क्लासेस में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड हैं। अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी को वो किया, इंडिक किया, उसमें कल्याण सिंह जी जो राजस्थान के गवर्नर हैं उनको, वो भी उनका नाम भी था लेकिन उनके बारे में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए कि गवर्नर हैं वो राजस्थान के, और जब तक वो गवर्नर रहेंगे तब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से न्यूज़ के रिलेटेड आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी लें आप, करंट अफेयर्स में अगर हम पूरा पकड़ है तो हमें समझ आता रहता है कि ये क्वेश्चंस क्यों डाला गया, क्यों आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट इसी का है। तो सेकंड क्या है देखते हैं, द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये हम देखते रहे कि सारे के सारे पोस्ट में जो जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं उस दिन जो भी एमोल्यूमेंट्स, जो भी सैलरी, जो भी अलाउंसेस होते हैं वो बाद में कम नहीं किया जा सकता है रूल्स चेंज होने के बावजूद। आगे के लिए होगा लेकिन पीछे के लिए नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, सो हमारा आंसर बोथ 1 और 2 है। सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, सो उस इलेक्शन के टाइम में हम कितना अलर्ट है नहीं है वो देखने का, चेक करने का क्वेश्चन है ये। तो देखने में तो लगेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि करेक्ट ही पूछ रहे हैं कि यूपी के MLA का वोट का वैल्यू पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, इसलिए बड़े स्टेट्स के एक एक MLA का वोट का वैल्यू और छोटे स्टेट्स के वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ लोकसभा इज मोर दैन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ राज्यसभा। ये गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट के MPs, इलेक्टेड MPs ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये गलत है, हमारा आंसर 1 only है। उसके बाद, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो राइट टू प्राइवेसी का रिसेंटली जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको फंडामेंटल राइट बनाते। सो ये उसके हिसाब से उस मैटर का क्वेश्चन है ये। ये हमें फंडामेंटल राइट नाम आ गया, तो हमें जैसे न्यूज़ देखते हैं हमें उसको रिलेट करना पड़ता है कि ये हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का है। सो ये क्वेश्चन वहीं से निकला है। सो राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कौन सा फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबोव स्टेटमेंट। तो अभी जो 4 ऑप्शंस मिलेगा उसमें से आर्टिकल 21 कहाँ है देखते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, 21, 24। सो डायरेक्टली हमारा आंसर ये है आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 3। पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होते हैं। सो ये तीनों के तीन क्वेश्चंस हम करंट अफेयर्स से रिलेट कर पाए। ठीक है, ऐसे सारे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं पेपर, उनके मन में होता है कि इनको कितना वो अवेयर हैं करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इज रॉन्ग वाला स्टेटमेंट हमें निकालना है। सो इसमें देखते हैं, ये बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन्स रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ये बिल्कुल सही है, मनी बिल के डेफिनेशन में ही होता है। ये मनी बिल हैज़ प्रोविजन्स फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी सही है। उसके बाद, मनी बिल इज़ कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये गलत है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड जो होता है एमरजेंसी में निकालने के होता है, वो
इसके रिलेटेड नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सारे टैक्सेस मिला के, सारे जहाँ जहाँ से भी रेवेन्यू आ रही है उसको मिला के होता है, वहाँ से अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब विदड्रॉ करना। सो ये आंसर गलत है। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, मनी बिल के बारे में ही है। सो हमारा आंसर यही है। एक ही रीज़न है, कंटिजेंसी लिखा है, कंसोलिडेटेड होता तो ये भी सही है। उसके बाद, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द, रेसिड्यूरी पावर्स मतलब जो बचा बचा पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, कॉमन में भी नहीं है, उससे भी कोई बच गया तो बच के निकलता है, तो वो किसके पास होते हैं पावर्स, वो है गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि हिस्ट्री का है और मेकिंग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी बहुत सारे प्रोविजंस लेके ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अभी जो चल रहा है। और इसको हम सेवन्थ शेड्यूल के यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं, जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, जो स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, जो कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, तो कहाँ जाता है रेसिड्यूरी, यूनियन के पास जाता है, पार्लियामेंट के पास ही पावर होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर गवर्नर जनरल है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ असेंबली। तो अगर मेंबर ही नहीं है तो स्पीकर होने का वो मतलब नहीं है। सो असेंबली या पार्लियामेंट में जो मेंबर होता है वो ही स्पीकर होते हैं। सो मेंबर से निकल गया तो स्पीकर से भी निकल गया, तो करेक्ट पूछ रहे हैं। तो हमारा आंसर ये है, ये भी है, ये है कि नहीं देखते हैं। वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वेकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली। हमने ये असेंबली में, असेंबली के कर रहे थे तब भी किया, पार्लियामेंट कर रहे थे तब भी किया, कि जैसे डिसॉल्व होता है पार्लियामेंट या लोकसभा या असेंबली, तब स्पीकर के पोस्ट, स्पीकर कंटिन्यू करते हैं जब तक फ्रेश टीम का फर्स्ट मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि उस टीम, उस फर्स्ट मीटिंग को चेयर करना होता है, इसलिए स्पीकर तब तक होते हैं, प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट करके फिर ये निकल जाते हैं। तो आंसर हमारा है वन ओनली। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, देन क्या होता है? प्रेसिडेंट ने अपना पावर करके आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लागू किया तो क्या होता है? तो इसमें से इन सब में कौन सा एक है निकालना है? द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ये है, या पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये है, या आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, ऐसा हो सकता है आर्टिकल 19 सस्पेंड कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट कैन मेक लॉस रिलेटिंग टू द स्टेट। ये है सिंपल आंसर, प्रेसिडेंट रूल है तो प्रेसिडेंट लॉस बनाएंगे उस स्टेट का। तो नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वाला क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से आते हैं, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हम आगे जाके उसका भी नोट्स लेसन्स देखेंगे, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटिनाइजेस एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बायलॉज एट्सेट्रा कन्फर्ड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाई द पार्लियामेंट आर बींग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाई द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। सो ये रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी दिया, वो सब ठीक से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, ये देखने का काम होता है कौन से पार्लियामेंट्री कमेटी का होता है, ये होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज द, इन द अपोजिशन वॉज द स्वतंत्र पार्टी, नहीं है ये कम्युनिस्ट पार्टी है, तो हमें करेक्ट पूछा है तो वन तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए 1, 3, 1, 2, 3 में, वन तो है नहीं तो ये दोनों निकल गए। उसके बाद इन लोकसभा ए लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज रिकोगनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इन द लोकसभा इफ़ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकोगनाइज एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, ये हम करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। आज के दिन कांग्रेस पार्टी के पास रिक्विजिट नंबर मतलब 10% ऑफ 545 लोकसभा में मेंबर्स का 10% होना चाहिए, वो नहीं है, 10% 54 बनता है, 75 नहीं बनता है। सो ये आंसर गलत है, ये हम करंट अफेयर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा नहीं दिया गया। तो
इसलिए लोकपाल नहीं बनाया, ये सब बोलते हैं। सो हम करंट अफेयर्स के साथ ये रिलेट कर सकते हैं। हमारा आंसर है यहाँ सिर्फ टू और टू ओनली है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ पार्लियामेंट डाल सकती है, नहीं डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से बनी है। आजकल हम अमेंडमेंट्स का वीडियोस देख रहे हैं, तो 9th शेड्यूल बनी ही फर्स्ट अमेंडमेंट से, इसी पर्पस से है कि 9th शेड्यूल में डालेंगे तो कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। और पर्पस क्या था, लैंड रिफॉर्म लॉस के बारे में था ये, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। वैसे इसी पर्पस के लिए तो 9th शेड्यूल स्टार्ट किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक कट ऑफ डेट दिया 24 अप्रैल 1973। इससे पहले जो भी लॉस इस डेट को केशवानंद भारती केस में जजमेंट दिया, बोले कि इससे पहले जो भी लॉस इस 9th शेड्यूल में थे उसको टच नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू होगा ही होगा, चाहे भले ही वो 9th शेड्यूल में डाले तब भी। उसमें ये देखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं हो रहा है, ये सब देखेंगे। सो आंसर हमारा है सिर्फ वन। हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन से हैं, स्टैचुटरी बॉडीज़ कौन से हैं, स्टैचुटरी मतलब बाई लॉ बना के, पार्लियामेंट के लॉ बना के बनाया, ऐसे कौन से बॉडीज़ हैं और कौन से मिनिस्ट्री में क्या काम होता है, तो ये इस रिलेटेड हैं। ये भी हमें आगे प्लान है बनाने का, ठीक है। या अभी देखते हैं, हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? द नेशनल NGT हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाई एन एक्ट, ये बिल्कुल सही है। वेयर एज द CPCB हैज़ बीन क्रिएटेड बाई एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, ये स्टैचुटरी बॉडी है। CPCB मतलब लॉ बना के बनाया गया, सो इसमें आधा करेक्ट है, तो ये तो गलत में ही आता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहे हैं, तो वन तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, द NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, ये बिल्कुल सही है। जहाँ भी डैम बन रहा है या कुछ हो रहा है, तब लोग कोर्ट चले जाते हैं कि एनवायरमेंटल रीजंस, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम, यहाँ कुछ हो रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अलग सा कोर्ट बने, वही NGT है, तो सारे एनवायरमेंट रिलेटेड लिटिगेशन वहीं जाता है। तो वेयर एज द CPCB प्रमोट्स क्लेनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री, ये भी सही है। सो हमारा आंसर है ओनली टू। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ करके बार बार हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, एज पर रूल चलेगा, ऐसा सुनते रहते हैं, तो उसमें रूल ऑफ लॉ मतलब क्या क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर्स, तो लॉ बनाया कोई भी रीज़न, कोई भी चीज़ के लिए लॉ बनाया कि रेड लाइट होता है तो हमें क्रॉस नहीं करना है, ग्रीन लाइट है तो क्रॉस करना है, तो ये लिमिटेशन ऑफ पावर में आता है, बिल्कुल आता है, पावर्स लिमिट हो जाता है, अदरवाइज़ हम अपनी मर्जी से जा सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ लॉस बनाया उसमें पावर्स लिमिट हो जाते हैं, अनलिमिटेड पावर्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी बिल्कुल सही है। लॉ बन गया मतलब सबके लिए है, ये नहीं कि किसी लोगों के लिए बनता है। तो उसके बाद पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये गलत है, पीपल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है पीपल के लिए। सो ये थ्री नहीं है मतलब एलिमिनेशन में देखा तो ये दोनों है, इन दोनों में नहीं है। उसके बाद लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये भी बिल्कुल सही है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स होते ही हैं रूल ऑफ लॉ में। सो हमारे आंसर है 1, 2 and 4। ये क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिटेशन ऑफ पावर्स नहीं है। सो हमारा आंसर ये है। इतने क्वेश्चंस आए थे, तो अगर कुछ इम्प्रूव किया ऐसा लग रहा है तो देखिए, आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।